सो चैप्टर 9 वॉज गोइंग ऑन इंडस्ट्रीज, और मैंने बताया था कि इस पॉइंट तक पहुंच के बहुत ही आप लोगों को रेफरेंसेस की हद तक की एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम मिलनी चाहिए, इससे ऊपर की जरूरत नहीं आपको। इंडस्ट्रियल स्टेट क्या होती है? एक रीजन, एक जगह जो कि गवर्नमेंट की तरफ से समझ लो अलॉटेड होता है, जो इंडस्ट्रीज के लिए होता है। वहां पर फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट की तरफ से फिर एक तरफ मिल जाती है ना, कि इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए वहां पर पावर स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर पहुंचनी चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का अच्छा होना चाहिए। अब वो होता है नहीं होता वो दूसरी बहस है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने से मुल्क को क्या फायदा है? इंडस्ट्रियल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट दुरुस्त रखे तो उससे पूरे मुल्क को क्या फायदा है? एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी। अच्छा, एक्सपोर्ट्स बाद में आते हैं, एक्सपोर्ट्स होती है सरप्लस। जो आपने प्रोड्यूस किया वो आपके लोकली पहले कंज्यूम होता है, और जो सरप्लस बचता है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है कि हम सरप्लस प्रोड्यूस करें, हम अपनी ओवर कंजम्पशन अपनी कंजम्पशन जितना भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इनफैक्ट व्हीट जैसी गंदम जैसी चीज भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज सो मच, एंड अगेन इन सो मच पॉपुलेशन हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि उस पॉपुलेशन को एक फुलफिलमेंट फराम कर सके, तो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। बहरहाल तो इंडस्ट्रियल एरियाज, जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनाती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट्स को पता होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अगर हमने खर्चा कर दिया और इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है वो, तो उससे फायदा ये होगा कि बिजनेसेस अच्छे चलेंगे। बिजनेसेस अच्छे चलेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तो सेल अच्छा कर पाएंगे, और इस तरह से एक बिजनेस ग्रो होता जाएगा। उस बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को इनकम्स मिलेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई क्या आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या है, कैन आई आस्क? एम्प्लॉयर कौन होता है? जो जो हायर हायर करता करता है। एग्जैक्टली, द राइट वर्ड इज द वन हु हायर्स, और एम्प्लॉई वर्क्स। ठीक है, तो आपकी अगर इंडस्ट्रीज बूस्ट करेंगी तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, आपके प्रोडक्शन की डिमांड मतलब आपकी डिमांड बढ़ेगी आपकी चीजों की, और आप और एम्प्लॉयज को रखेंगे, तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी कम हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम होना मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ना। एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ने से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। मतलब पब्लिक पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटीज पे खर्चा करना। तो जब सब लोग कमा रहे होंगे तो मे बी एक बहुत बड़ा परसेंटेज लोगों का जो है वो पे कर पाएगा हॉस्पिटल की फीस, अपने बच्चों के स्कूलों की फीसें, ठीक है, ट्रैवलिंग की फीस। अब जब लेट सपोज एक इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है, वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करने जाते हैं, तो देखो कितनी आपस में कनेक्टेड इंडस्ट्रीज होती है। बहुत सारे लोग अगर कहीं काम करने जाते हैं तो वो आने जाने ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री अलग बूस्ट हो रही है। फिर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में लोगों की ट्रैवलिंग काउंट नहीं होती, गुड्स भी ट्रांसपोर्ट होता है। जब प्रोडक्शन होगी तो गुड्स भी पिकअप होंगे, पिक होंगे गुड्स और कहीं पर ड्रॉप होंगे, तो फिर बीच में लिफ्टिंग जो व्हीकल्स होती है उनकी जॉब्स निकल आती है। ठीक है, जैसे सुजुकी वगैरह जो है मतलब लिफ्ट करते हैं कहीं से भी सामान और कहीं पर ड्रॉप करते हैं। कितनी कनेक्टेड इंडस्ट्री आपस। फिर इसी तरीके से मतलब जहां पर बिजनेसेस चलने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा काम हो रहा होता है, तो बहुत किस्म की जॉब जियो निकलती है इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की कॉस्ट। ठीक है, तो आपस में इंडस्ट्रीज के बनने बनने की वजह से आपस में बहुत सारे सेक्टर्स इंडस्ट्रीज के बूस्ट होने के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बूस्ट होंगी उतने ज्यादा दूसरी इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा। एक इंडस्ट्री दूसरी के ऊपर रिलाय करती है। मिसाल के तौर पर कोई इंडस्ट्रियल लोकेशन है, वहां पर बिजनेसेस खुलते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन कंपनीज भी आएंगी वहां पर, अपने टेलीफोन टावर्स मजीद लगाएंगी, सही, ताकि लोगों को सिग्नल अच्छे फराम हो, क्योंकि वहाँ मोबाइल यूजर ज्यादा बढ़ रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइडर्स बढ़ जाएंगे। कितना सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, राइट? सो इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। तो इस वजह से गवर्नमेंट्स अपना काम आसान करने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाती हैं, कि स्कैटर्ड होंगी ना, स्कैटर्ड मतलब बिखरी पड़ी होंगी पूरे मुल्क में, इधर उधर 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 फैक्ट्रीज। तो फिर बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसलों में से एक बड़ा मसला पॉल्यूशन भी है, कि पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग जगह पर फैक्ट्रीज खुली हुई तो उनका पॉल्यूशन कंट्रोल करना इट्स डिफिकल्ट। एक जगह इंडस्ट्रियल स्टेट बनी हुई क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बड़ा मतलब एसिडिक होता है, ठीक है, उनका इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है ना वो सेवेजेस में जाते हैं, जो तो वो सेवेजेस लाएंगे वो बड़े केमिकल टाइप के सब्सटेंसेस जाते हैं, तो बहुत अनहेल्दी लाइक डिजीज क्रिएटिंग टाइप की चीज होता है। अब गवर्नमेंट को किसी एक स्पेसिफिक जगह पर अगर गवर्नमेंट सेंटर कर दे कि एक ही जगह पर इंडस्ट्री सारी लगेगी, तो फिर उससे क्या फायदा होगा? उसी जगह के ऊपर जो भी आलूदगी है वहां पर हो रही है, और उसी को गवर्नमेंट को एक जगह को कंट्रोल करना है, ना कि पूरे शहर में फैली हुई फैक्ट्रीज को। तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी हुए सिंध के अंदर 24 है, जिसमें से एक मिसाल है साइट की, साइट एरिया, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट। ठीक है, इसी तरीके से पंजाब के अंदर 20 इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी हुए, तो वो एक एक इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर बहुत सारे फैक्ट्रीज खुली हुए थे। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वाब है 15, बलूचिस्तान में 10, इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल है हमारा, तो तीन तीन वहां पर, टोटल 72 इंडस्ट्रियल स्टेट्स लिखे हुए। हो सकता है मजीद इजाफा हो गया, ठीक है, आज की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा हो गया, बट आपको डाटा याद नहीं रखना है, आपको ये पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल स्टेट क्या होती है। ठीक है,
यहाँ पर एक न्यूज कार्ड छपा हुआ है का एक एक्सट्रैक्ट है, इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल जोन एट पिंडी भटिया इंटरचेंज ऑन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। तो ये एक पूरा जो है ना क्या कहते हैं समझ ले, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वाइट कर रही है इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर्स आए और इंडस्ट्रियल जोन बनाने में अपना वो भी इन्वेस्ट करें। तो उसके फायदे बता रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने इश्तेहार छापा है, ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इन्वेस्टर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टर्स जो कि प्रॉफिट सीख करते हैं और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टर्स को अप्रोच करे, गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, गवर्नमेंट के पास जगह है, मुल्क तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना, तो जो लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं उसके अलावा सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर एलोकेट करती है कुछ ना कुछ कि ना फला जगह पर हमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो इतना रिटर्न आ सकता है। मिसाल के तौर पर एक रोड बनाना है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है अगर वो रोड बन जाएगा तो जैसे कि कराची के अंदर लियारी एक्सप्रेस, तो उसके बनने से मिड सिटी की बहुत सारी ट्रेवलिंग वहां शिफ्ट हो गई, वो सीधा रोड है, ना कोई सिग्नल ना कुछ, कोई एग्जिट है बीच में दो चार, लेकिन बाकी सीधा सीधा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत फास्ट कवर करता है रास्ते को। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी इंडस्ट्रीज बूस्ट होती है क्योंकि लोग टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे वापस आते हैं, हैप्पीली अपनी जॉब कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे ट्रैफिक में फंस फंस के, और वो ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे वो गाड़ियां कब हो जाएंगी, तो ट्रैफिक ट्रांजिट जो हो रहा है माल एक जगह से बन के दूसरी जगह जा रहा है वो भी जल्दी पहुंचेगा, माल के जल्दी ट्रांजिट होने से माल टाइम पे शिप पे लोड होगा, शिप टाइम पे एक्सपोर्ट होगा, तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि हम जल्द टाइम में माल पहुंचा देते हैं, तो हमें और ऑर्डर्स आएंगे, समझ आ रही बात, बहुत सारी चीज आपस में सो कनेक्टेड होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लेट्स सपोज कोई रोड बनाए, अब गवर्नमेंट के पास जगह है रोड बनाने के पैसे नहीं, तो गवर्नमेंट वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेगी और कहेगी कि फला जगह अगर रोड बनाते तो वहां हम टोल बूथ्स लगाएंगे जिसमें हम टोल फीस जो कलेक्ट होगी वो आप रखिएगा अगले 10 साल तक, और एक्सपेक्टेड एक दिन में जो गाड़ियां गुजरेंगी रोज की, लेट्स सपोज गवर्नमेंट कहती है कि एक्सपेक्टेड एक दिन में 5,000 गाड़ियां गुजरेंगी, अब 5,000 गाड़ियां एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में वही वापस भी आएंगी घर, ठीक है, ऑलमोस्ट वो 5,000 का एवरेज, तो 10,000 टाइम्स डेली अगर लेट सपोज 50 रुपीज कलेक्ट होता है, टोल चार्जेस 50 रुपीज है या 30 रुपीज है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,300 पर डे, 3,00,000 रुपए पर डे आप अर्न कर सकते हैं, 3,00,000 रुपए पर डे का मतलब ये हो जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई करते चले जाओ कि आपकी जितनी बड़ी कॉस्ट लग रही है वो लेट सपोज 3 साल में 4 साल में रिटर्न हो जाएगी आपको आपकी कॉस्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसिस माइनस करके, क्योंकि जो टोल बूथ पे कलेक्टर बैठे होता है उनकी फीस जाती है, फिर उस पूरे जो आपका वे वो हाईवे या सुपरवे जो भी बना हुआ है उसके सफाई वगैरह के लिए, उस पर रंग रोगन के लिए, रोडों को कलर करने के लिए जाते हैं कुछ एक्सपेंसेस, लेकिन अदर देन दैट तो बचत ही होगी, तो वो जो बचेगा वो इन्वेस्टर्स को, लेट्स सपोज वो बचते बचते 3-4 साल में इन्वेस्टर्स को फिजिबिलिटी बना के दी कि 4 साल में आपका प्रॉफिट रिकवर हो जाए, वो आपका एक्सपेंस जो आपने लगाया रोड बनाने में वो रिकवर हो जाएगा, उसके बाद अगले 6 साल तक आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इन्वेस्टर्स ये चीजें देखते हैं कि हमारी लगी हुई इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिटर्न हो जाएगी, और जितने टाइम में रिटर्न हो जानी है तो फिर उसके बाद जो है सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बहरहाल तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी अप्रोच करती है अपने किसी भी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स भी एक प्रोजेक्ट है कि अगर एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना दी तो गवर्नमेंट को उससे ये फायदा है कि उस इंडस्ट्रियल स्टेट में जो इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट, जो भी फैक्ट्रीज खुलेंगी तो गवर्नमेंट उनसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगी, जो गवर्नमेंट उनसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा। अब गवर्नमेंट के पास को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए फैसिलिटी भी तो वैसी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए, वहां के रोड, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली वगैरह सब कुछ, और उसको इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं गवर्नमेंट के पास, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से वो सारा खर्चा करवाएंगी, उसके बाद जब इंडस्ट्रीज आके फैक्ट्रीज लगेंगी वहां, जो फैक्ट्रीज गवर्नमेंट्स को पैसा देंगी, चाहे वो जगह किराए पे लेके गवर्नमेंट्स को पैसा दे उन फैक्ट्रीज को किराए पे ले, तो वो जो पैसा कलेक्ट होगा वो इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के दरमियान बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, और रिकवर जब हो जाएगा जितने सालों में उसके बाद इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा ऊपर। द इंडस्ट्रियल स्टेट कैन, इंडस्ट्रियल स्टेट का खुद क्या बेनिफिट है, इंडस्ट्रियल स्टेट कैन एंजॉय वेरियस इंसेंटिव्स सच एज एग्जेम्पशंस फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड मशीनरी, द प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो एनकरेज्ड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन द कंट्री, इट इज अलाउड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज स्पेशली पावर जनरेशन फॉर इट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑन दीज स्टेट्स। अच्छा, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट्स बनाती है इंडस्ट्रियल स्टेट्स, प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट्स प्रमोट कर देती है कि आप खुद भी इंडस्ट्रियल जोन बनाए, पूरे आप अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए, ठीक है, ताकि एक तरफ सेंटर हो सारे बिजनेसेस, उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मुल्क की जॉब्स बढ़ेंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी, और जैसे ही बिजनेसेस ग्रो होंगे तो बिजनेसेस ग्रो होंगे, बिजनेसेस फिर ज्यादा टैक्स भी देंगे गवर्नमेंट्स को, जितनी ज्यादा इनकम कमाएंगे बिजनेसेस उतना टैक्स भी देंगे गवर्नमेंट्स को, तो जितना टैक्स देंगे वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ना है उसमें, तो इवेंचुअली अगर इंडस्ट्रियल स्टेट में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा हो, लेट्स सपोज कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स मिलकर अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट खुद बना रहे हैं उनकी अपनी जमीन, तो गवर्नमेंट अलाउ कर देगी हाँ बनाओ, गवर्नमेंट को दूसरे फायदे, गवर्नमेंट आई पब्लिक बेनिफिट के लिए, तो पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, कि वहां पर बिजनेसेस
खोलने हैं, जॉब्स मिले। सेकंडली गवर्नमेंट को ये फायदा है कि एक ही जगह पर फोकस करना पड़े, ना कि हर जगह अलग अलग जगहों पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़े कि कहीं की बिजली जाए ना जाए, इस जगह की बिजली नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर इंटरनेट ठीक चलना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ओके होनी चाहिए, यहाँ किसी किस्म की हड़ताल या सेटिंग्स नहीं होनी चाहिए कि लोग स्ट्राइक पे निकल आए। तो गवर्नमेंट वहां फोकस है, गवर्नमेंट के खुद के जो रोड के प्रोजेक्ट्स होंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स होंगे, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वो यहाँ से जरूर गुजरे इंडस्ट्रियल स्टेट से, ताकि जो लेबर है जो ट्रेवल कर रही है वो गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड पब्लिक सर्विस बसेस हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो गवर्नमेंट का, जैसे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, तो वो ऐसी जगहों से गुजरे जहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट्स आए बीच में, ताकि लेबर वहां उतरे, उनके लेबर के लिए आसानी ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी गिर जाएंगे, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो बड़े सारे फायदे गवर्नमेंट को एज अ होल। स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स, अ स्कीम ऑफ स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स वाज प्लान्ड टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड ऑफ वेरियस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, शोज द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। अ स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन कैन बी डेवलप्ड इवन इन दोज एरिया वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मेटल रोड आर नॉट अवेलेबल। मेटल रोड का मतलब क्या होता है? डामर बिछा हुआ, लोहे का रोड नहीं है, डामर बिछा हुआ मेटल रोड वो कहलाता है। द इंटरेस्टेड कंपनीज वुड डेवलप दीज फैसिलिटीज एंड प्रोवाइड यूटिलिटीज फॉर द जोन, हाउएवर दे विल बी असिस्टेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एजेंसीज टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज। ये बताना चाह रहे हैं कि स्पेशल पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट जो है स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाती है, मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स है ना फैक्ट्रीज बनी हुई, वैसे ही कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हुए हैं, जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया हुआ है कि कोई भी एक्सपोर्ट वाला माल है वहां पर आके स्टोर किया जा सके और वहीं जो है ना क्या कहते हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल हो, क्योंकि एक्सपोर्ट होने वाला माल बहुत अच्छी फैसिलिटी में रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोवाइडेड ऐसा एरिया जहां पर सारे अपने वेयर हाउसेस बना सके, जो एक्सपोर्ट में जाने वाला माल हो वहीं पैक होता हो, वहीं सारी फैसिलिटीज होती हो, तो एक जैसी सारी फैसिलिटीज जहां प्रोवाइड हो जाए एक जैसी नौयत, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट एक ही नौयत का काम है ना, हर किसी ने एक्सपोर्ट करना तो शिप में ही जाएगा, शिप में जाने से पहले वो शिप के कंटेनर में लोड कैसे होगा, माल उस सूरत में लेके आना पड़ेगा, माल को उस सूरत में लेके आने के लिए वो चाहे छोटे छोटी मशीनरी हो, बहुत बड़ी मशीनरी हो, छोटे छोटे कोई प्लास्टिक के पीसेज हो, कोई भी चीज चाहे वो गंदम हो, चीनी हो, जो भी हो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका एक तरीकेकार होगा उसको एक्सपोर्ट करने का, तो उन डब्बों में या उन पेटियों में भरना और वैसी क्वालिटी इंस्पेक्शन करना कि हमारे मुल्क से कोई चीज एक्सपोर्ट हो तो मुल्क बदनाम ना हो, इस सारी चीजों का ख्याल रखने के लिए कोई एक स्पेशल अगर ऐसी जगह बन जाए कि जहां पर वो सारी फैसिलिटीज फराहम हो, कि जिस टाइप का भी काम चाहिए ना, लेट्स सपोज बॉक्स में डालनी है चीजें, तो बॉक्स में डालने के लिए वो बॉक्स बनाने की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ऐसी जगह गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करते तो ये एक स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बन गया, ठीक है, उसका नाम दे दिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसी तरीके से कोई और जोन हो सकता है, सिर्फ एक्सपोर्ट्स के हवाले से ना, हो सकता है कि फूड जो स्टेपल फूड क्रॉप्स है, खाने पीने के हवाले से क्रॉप्स है, तो उसके लिए एक अलग जोन बनाओ कि जो भी क्रॉपिंग क्रॉप्स आएंगी लेट्स सपोज सिंध से, तो वो वहां पर जाएंगी, पहले वहां पर स्टोर होंगी, सबके अपने अपने वेयर हाउसेज हो। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें बन सकती है कि एक नौयत की चीजों का एक अपना जोन बना दिया, तो इट इज ऑल्सो लाइक इंडस्ट्रियल स्टेट्स, लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे अलग अलग कंपनीज हो सकती है, अलग अलग, कोई टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक रखती हुई, कोई ड्रिंक्स के सेक्टर से ताल्लुक रखती हुई, कोक पेप्सी वगैरह, कोई जो है केमिकल सेक्टर से ताल्लुक रखती हुई, रंग के डब्बे मतलब रंग बना रहे हैं, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में एक ही नौयत जिनका कोई एक पर्पस सर्व होता हो, उस तरह की जो है ना पूरा एक जोन बनाते हैं और उस तरह की सारी चीजें वहीं पर आती है, तो सारी एक्सपर्टीज भी वहीं मिलती है उस तरह की। आप यूं समझ लो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली एक जगह है यूएस के अंदर, ठीक है, वहां पर तमाम हाईटेक कंपनीज, अगर मैं लिखूं गूगल पे सिलिकॉन वैली, मैं दिखाई भी आप लोग को, हाँ आप लोग को दिखाई सिलिकॉन वैली पहले, हाँ मैंने बताया था कि एप्पल के, एचपी के, इंटेल के, माइक्रोसॉफ्ट के सबके हेड ऑफिस वहां पर है। दिस इज एज अ होल सिलिकॉन वैली, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में है। अब इसमें आप मिसाल के तौर पर कोई कंपनीज वगैरह ढूंढनी हो तो जस्ट फाइंड इट लाइक माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन वैली, माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन वैली कैंपस, इसी तरीके से इंटेल का हेड ऑफिस दिख रहा है, एप्पल लिख देता हूँ, एप्पल कंप्यूटर्स, आई एम नॉट श्योर कि ये सारी एग्जैक्ट लोकेशन इनकी कहाँ है, सिलिकॉन वैली, और अगर मैं लिखूँ एप्पल पार्क, एप्पल एंटरप्राइजेस, सो दिस इज परहैप्स, मतलब एग्जैक्टली मैप नहीं पता, अब ये किसी दिन फुर्सत से हम देख सकते हैं क्या हम एग्जैक्टली वहीं पर हैं कि नहीं है, बट सिलिकॉन वैली जो है वो सैन फ्रांसिस्को में वो जगह है जहाँ पर सारी हाई टेक कंपनीज, ये देखो एप्पल हेडक्वार्टर्स, हाँ ये रहा उसकी पार्किंग है एप्पल हेडक्वार्टर्स की, ठीक है, ये पूरा एप्पल हेडक्वार्टर है, सही है। इसी तरीके से बहुत सारी आसपास कोई ना कोई कंपनीज होंगी, तो सारा एप्पल के आसपास की लोकेशंस है, सीक्वेंट माइक्रो सिस्टम्स करके कंपनी है लेट्स सपोज, और होंगी दूर दराज कोई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज, पूरे पूरे उनके लैंड होंगे,
इसमें से बहुत सब के हमने नाम भी दिए होंगे। बहरहाल व्हाट इज इट, ये पूरी एक इंडस्ट्रियल स्टेट कह लो बनी हुई है हाईटेक कंपनीज की, ठीक है। अब इसमें अलग अलग नौयत की हाईटेक कंपनीज है और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन जो है ना वो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर भी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी का जोन, सही है, इंडस्ट्रियल स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। तो आप इन दोनों को इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे ही समझे, लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर हर किस्म के आ सकते हैं और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन के अंदर कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी, जैसे कि वेयर हाउसेज बने हुए हैं सबके, तो एक जोन जोन बना हुआ है कि सबके वेयर हाउसेज वहां पर है, ये वो एक इंडस्ट्रियल जोन। सो इट्स लाइक इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर के रीजन जो है ना आप जोन कह सकते हो, या हो सकता है कहीं और ही जोन बना हुआ, इंडस्ट्रियल स्टेट पूरी एक अलग से बनी हुई और एक अलग से जो है ना इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन, जिसमें से एक मैंने मिसाल दी ना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अच्छा जी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट 1947 से 1971 तक। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये पॉलिसी का लव्स, गवर्नमेंट का लव्स और पॉलिटिक्स का लव्स और डेमोक्रेसी का लव्स, टैक्स और ये सारी चीजों भागना नहीं आप लोग कभी भी। गवर्नमेंट किस तरीके से डिस्क्राइब करती है, गवर्नमेंट किस रेगुलेट करती है कि इंडस्ट्रीज जो है उनके हवाले से क्या पॉलिसी है। लेट सपोज जो इंडस्ट्रियल बिजली है उसका रेट सेट कर दिया गवर्नमेंट ने, किसके ऊपर बिजली का रेट नहीं होगा। इंडस्ट्रियल गैस के एक यूनिट का रेट सेट कर दिया, कमर्शियल यूज हो रहा है गैस का तो उसका एक यूनिट इतने रुपए का होगा, आम घरेलू गैस के बनस्पत डिफरेंट होगा वो। इसके अलावा फायदे भी है इंडस्ट्रीज को, घरेलू हमारे पास जो नेचुरल गैस कुकिंग गैस आती है उसका प्रेशर लो होता है, इंडस्ट्रीज को बोलते हैं बहुत हाई प्रेशर होता होगा, उनके बर्नर्स को बहुत ज्यादा मतलब कैपेसिटी चाहिए गैस के, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, बिकॉज यू नो इंडस्ट्रियल यूज है लोहा, मतलब उनको बहुत सारी चीजें लोहा प्लास्टिक कितने किस्म की चीजें पिघलानी पड़ती है, दे नीड अ लॉट ऑफ पावर लाइक दैट। तो आप ये नहीं कहना कि वो तो कोक से पिघलेगा लोहा, भाई आयरन रोड से लोहा नहीं निकले, बने बने लोहे को पिघला रहे, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, इसी तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी किसी किस्म के टैक्स रेट्स के हवाले से हो सकती है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या टैक्स रेट्स लागू होते हैं, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अपना सकते हैं कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो है वो तो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ही होंगी, उससे बाहर नहीं हो सकती। जैसे कि कोई ऐसी जगह पोल्यूटिंग है तो किसी किस्म का पॉल्यूशन होता है जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आप फिर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आप अपनी इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, आप इंडस्ट्रियल स्टेट में ही खोलेंगे, सही। तो कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है और इंडस्ट्रीज को फॉलो करना पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर इन द अर्ली ईयर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या समझना आता है, आपके समझ लो मैन्युफैक्चर ज्यादा इसके ताल्लुक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद वाला, एग्रीकल्चर भी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुराद ये कि आपका सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हो रहा हो, सही, उसको उसकी ग्रोथ करने के लिए एक जो है इदारा बना, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन PIDC वाज एस्टैब्लिश टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर वाज रिलक्टेंट। PIDC वाज सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग मेनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल्स, पेपर बोर्ड, शुगर। लेटर PIDC ट्रांसफर्ड सम ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स टू प्राइवेट सेक्टर। शुरू में जिसमें प्राइवेट सेक्टर रिलक्टेंट था अपना पैसा लगाने के लिए कि बड़ा रिस्की है पता नहीं क्या, तो PIDC एक इदारा बना जिसने इन्वेस्ट कर करके ऐसे बड़ी बड़ी जो है ना कंपनीज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, फर्टिलाइजर्स मेकिंग कंपनीज बनाए, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाए, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाई, केमिकल्स अलग अलग किस्म के केमिकल प्रोड्यूसर्स बनाए, पेपर बोर्ड या कोई भी किस्म की लकड़ी को प्रोसेस करने वाली या शुगर प्रोसेस करने वाली या बिजली बना, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया PIDC ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर दिए, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट के किसी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को दे दे तो इसे क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड, कौन सी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दी गई 1972 से 1977 के दौर तक, 1972 से 1977 के दौर तक यहाँ लिखी हुई है, ये नेशनलाइजेशन का दौर था, ठीक है। नेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट के दोबारा ओनरशिप में आ जाना। आयरन और स्टील इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गई, बेसिक मेटल इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट पॉलिसी ये हो गई कि ये वाले बड़े बड़े सेक्टर जो है जिस पे मुल्क डिपेंडेंट होता है वो अब नेशनलाइज हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा प्राइवेटाइजेशन हुई थी, उसके ऊपर बाद में आते हैं। तो 1947 से 1971 तक जो है गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो गई तो उसके बाद गवर्नमेंट ने नेशनलाइज करना शुरू किया इंडस्ट्रीज को, जो की इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। उसके बाद डीनेशनलाइजेशन दोबारा हो गई। डीनेशनलाइजेशन मतलब 1977 से 1988 तक का जो दौर था उसमें जो नेशनलाइज की हुई सेक्टर्स थे उनको दोबारा डीनेशनलाइज कर दिया कि नहीं गवर्नमेंट नहीं चला सकती, वो मार्शल लॉ का दौर था। वो जब तुम हिस्ट्री को इसके साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, वो आपके सेक्शन 3 के चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, तो उसके साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आना है कि 1977 से 1988 तक का जो दौर था जो जियाउल हक का था जनरल,
तो ये वाला दौर से पहले जो था वो जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर था। तो ये उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में नेशनलाइजेशन चल रही थी, जबकि जालौन के दौर में डीनेशनलाइजेशन, मतलब जो नेशनलाइजेशन कर दिया था उसको दोबारा नेशनलाइजेशन से रिवर्स हो गए। प्राइवेटाइजेशन और डीनेशनलाइजेशन एक जैसी लग सकती है लेकिन है नहीं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स को के बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर्स में तब्दील कर देना। नेशनलाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को गवर्नमेंट सेक्टर में तब्दील कर देना। डीनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, वो भी प्राइवेटाइजेशन जैसा ही, गवर्नमेंट की जो नेशनल नेशनल जो भी बिजनेसेस है उनको प्राइवेट को दे देना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन डीनेशनलाइजेशन में ये फर्क है कि गवर्नमेंट ने जो नेशनलाइज किया उसको, उस सारे एग्रीमेंट को रिवर्स कर देना, दैट्स कॉल्ड डीनेशनलाइजेशन। जो पहले से प्राइवेट सेक्टर के पास था उसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया था और उसी को दोबारा से प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, दैट्स डीनेशनलाइजेशन। जबकि प्राइवेटाइजेशन क्या कि गवर्नमेंट के अपने खुद के जो इदारे थे वो गवर्नमेंट बेच दे किसी को, ये प्राइवेटाइजेशन है। क्लियर है? तो जो फर्स्ट टाइम हुई प्राइवेटाइजेशन हुई, PIDC ने जो इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह पैसा इदारा बना, तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को बेची वो चीज, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। फिर उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि ये वो इंडस्ट्रीज है जो प्राइवेट सेक्टर रन नहीं कर सकता, तो उनको नेशनल गवर्नमेंट ने जो भी उसको उसका कॉम्पनसेशन देके वो अपने कंट्रोल में कर ली, पैसे देके अपने कंट्रोल में कर ली, ये कहलाई के प्राइवेट से नेशनल की तरफ आ गया नेशनलाइजेशन। तो दो एक्सट्रीम्स है, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन। अब जो नेशनलाइज कर लिया गवर्नमेंट ने, अगली गवर्नमेंट आई, मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ था आर्मी का लॉ, आर्मी की हुकूमत होती है, तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आर्मी का रूल आ गया। तो आर्मी ने जो जो नेशनलाइज हुआ हुआ था उसमें से जो कंट्रोल नहीं हो सका या जो उनकी पॉलिसी थी जैसी थी उसको डीनेशनलाइज कर दिया दोबारा। क्लियर? तो प्राइवेटाइजेशन डीनेशनलाइज और नेशनलाइजेशन समझ में आ जाना चाहिए। 1988 onwards, the privatization of state-owned enterprises, मतलब गवर्नमेंट की अपनी enterprises, state-owned enterprises, privatization of state-owned enterprises has been promoted since 1991. The policies of liberalization and deregulation are followed all over the world. दुनिया भर में देखो ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है, इसलिए तीन दहाइयों से, तीन डेकेड से ग्लोबलाइजेशन का दौर है। मतलब मुल्क आपस में कनेक्टेड है, ट्रेड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कम्युनिकेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और इंटरनेट के बूम के बाद तो और तेज हो गई ग्लोबलाइजेशन, तो कल्चर्स भी आपस में मर्ज हो रहे हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट्स की जितनी रेगुलेशंस होती है ना जिन जिन कंट्रीज में, उन उन कंट्रीज के साथ दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर्स ट्रेड करना पसंद नहीं करते ज्यादा। और वैसे भी एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी ये कि जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनकी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा अच्छे से मैनेज हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्राइसेस भी हाई होते हैं, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट। गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस की क्वालिटी लो ही होती है, उनका मोटिव होता है कि पब्लिक की जरूरतें पूरी हो जाए। तो प्राइवेटाइजेशन होने से जो एंटरप्राइजेस है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छे प्राइसेस भी चार्ज करती है, और फिर जो उनकी लेबर है उनको भी अच्छी सैलरीज मिलती है। तो दैट्स अ होल प्रोसेस। और जो फॉरेन मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें चीजें भी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से खरीदी जाती है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स है। ठीक है, और कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो इन्वेस्टर क्या होता है, एक प्राइवेट इन्वेस्टर होता है ना, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो ऐसे मुल्क में करेगा जहां पर रेगुलेशन कम से कम हो, गवर्नमेंट की तरफ से कम जोर आजमाई हो, कम से कम टैक्स रेट्स हो, कम से कम गवर्नमेंट पॉलिसीज लागू होती हो। तो ऐसा करने की वजह से, मतलब ये जो है ना, ये करने के लिए डीरेगुलेशन की तरफ और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने लगी गवर्नमेंट, कि प्राइवेटाइज करें सेक्टर्स को, डीरेगुलेट करें, मतलब रूल्स कम से कम कर लें। लेकिन फिर इसका नुकसान भी होता है, प्राइवेट सेक्टर तो अपने फायदे की सोचता है, और अपने फायदे के लिए अगर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए या प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर ले उसको फर्क इतना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कुछ की सेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है, जैसे कि पावर, पेट्रोल के प्राइसेस गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, हालांकि दोनों प्राइवेट सेक्टर के पास है। आके आपके जो है ना, क्या कहते हैं, पेट्रोल की सेलिंग बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर करता है, और इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कौन है, के इलेक्ट्रिक, वो प्राइवेट सेक्टर है, पहले गवर्नमेंट की थी, KESC के नाम से, अब वो के इलेक्ट्रिक का हो गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ने का है, ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव से प्राइवेटाइज करते हैं, एक दो बता दो, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, और डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपके मुल्क में, और फिर गवर्नमेंट से कंट्रोल ना हो रहा होगा बिजनेस तो भी प्राइवेटाइज कर देती है गवर्नमेंट फॉर्मल। अब गवर्नमेंट के कोई बिजनेस उठा लो ज्यादातर घाटे में ही जा रहा होता है, सही है, उसकी वजह उस पर सियासी इंपैक्ट बहुत होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी कंट्रोल में आते हैं उनका इंपैक्ट बहुत होता है, अपनी मर्जी के लोग जॉब्स पे लगा देते हैं, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज लग जाते हैं, फिर रेट्स भी कम होते हैं, तो ज्यादातर वो लॉस में ही चलती है गवर्नमेंट की कंपनी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। अच्छा, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन खुद से, ठीक है, और जितने भी चार्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है तो गवर्नमेंट ये सब ऑफर कर रही है, ठीक है, डीनेशनलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मोर इंसेंटिव्स। अच्छा,
ये आप लोग पढ़ेंगे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज, यहाँ पीछे भी एक लिखा हुआ था इस फिगर 9.26 का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो किस हवाले से हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स को ये इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इन्वेस्ट करिए, प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज दे रही है कि आपको हम लोन्स देंगे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। जो इम्पोर्ट करवाएंगे आप माल, अगर मशीनरी इम्पोर्ट करा रहे हैं दूसरे मुल्क से, तो यूजुअली गवर्नमेंट्स इम्पोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं डिस्करेज करना इम्पोर्ट्स को। जितने ज्यादा मुल्क से बाहर से चीजें मंगवाएंगे तो उतने ज्यादा मुल्क का पैसा बाहर जाएगा और मुल्क उस तरह से गरीब होना शुरू हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डिसइक्विलिब्रियम में जा रहा है कि आप इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हो एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, अगर और मुल्क ऐसे में गरीब तर गरीब होता जाता है। तो गवर्नमेंट फिर भी वो कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं ताकि वो बाहर की मंगवाई हुई चीज महंगी पड़ने लगे तो लोग यहीं की चीज इस्तेमाल करें। बाहर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेट सपोज एक साइकिल मंगवानी मुझे बाहर से, लेकिन पाकिस्तान में अगर वो साइकिल मैन्युफैक्चर होती है भले क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो, क्वालिटी बाहर की अच्छी जब भी वहां से मंगवा रहा हूँ तो मैं वहां से मंगवाऊंगा तो मुझे महंगी पड़ेगी, ठीक है, वो इतनी महंगी पड़ेगी कि मैं सोचूंगा कि यार नहीं, ये तो वहां से खरीदने के बाद फिर यहाँ शिपिंग कॉस्ट, उसके बाद गवर्नमेंट की कस्टम ड्यूटी पे करूँ और फिर मुझ तक आए मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी, तो मैं लोकल मैन्युफैक्चर पैसा के ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, लोकल इंडस्ट्री बूस्ट होगी हमारी, राइट। तो गवर्नमेंट लेकिन बिजनेसेस को कभी कभी कंसेशन देती है इम्पोर्ट्स के ऊपर कि अगर बिजनेसेस ऐसी चीज इम्पोर्ट कर रहे हैं कि जिसको फर्दर प्रोसेस करके यहाँ बेचेंगे, तो गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है, अगर हमारे पास तेल है ही नहीं, बहुत कम है, तो जाहिर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो कम से कम बना बनाया तेल इम्पोर्ट नहीं, कि बना बनाया पेट्रोल, बना बनाया हाई ऑक्टेन ये सब इम्पोर्ट नहीं करो, जो ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है उसको हम कंसेशन दे देंगे कि ऑयल इम्पोर्ट करके खुद यहाँ पर प्रोसेस करे, उसको खुद रिफाइन करे रिफाइनरीज में। इसी तरीके से बाहर से अगर कोई रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो ऐसा जो कि यहाँ मयसर नहीं है या यहाँ पर शॉर्ट है, तो मंगवा के यहाँ पर कुछ प्रोसेस करके उसकी फिनिश गुड्स बना के बाहर ही शायद आप एक्सपोर्ट करो तो गुड है, फिर हम कस्टम ड्यूटी आप पे चार्ज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे पेंटे यहाँ बनवा रहे हो, बना रहे हो बाहर से जिपे, उसकी इम्पोर्ट करा रहे हो कि यहाँ पर जिपो के अच्छे मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, अब वो बाहर से इम्पोर्ट जिपे हो रही है तो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट हो रहा है, वो पेंट्स में ही लग के दोबारा पेंट्स एक्सपोर्ट हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट ओके रहेगी कि ठीक है फिर आपकी कस्टम ड्यूटीज हम माफ कर सकते हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है इन्वेस्टर्स को, तो वो कहता है ओके दैट साउंड गुड, वो फिर इन्वेस्ट करने के उस पर चले आते हैं 1947 से 71 तक, जब ये प्राइवेटाइजेशन का दौर था उस हवाले से, ठीक है। उसके बाद 1972 से 77 तक के अंदर पब्लिक सेक्टर का क्या क्या पॉलिसीज थी, हाँ मतलब गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर ही कहलाता है, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया, प्राइवेट सेक्टर की कौन सी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया और गवर्नमेंट सेक्टर की क्या फिर पॉलिसीज थी, क्या क्या इदारे बने, क्या क्या पॉलिसीज थी, ठीक है। ये पॉलिसीज नहीं है इनफैक्ट, ये तो कंपनीज के नाम है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, फेडरल केमिकल सेरामिक लिमिटेड, फेडरल लाइट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर की वो इंडस्ट्रीज है इनको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया गया, नेशनलाइज किया गया, उनके नाम है उन कंपनीज के, ठीक है, ये लिखे हुए। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्राफ्स के अंदर है, 1977 से 88 तक क्या हुआ था, डीनेशनलाइजेशन। तो डीनेशनलाइजेशन होना शुरू ही कि सबसे पहले तो डीनेशनलाइज किया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम डीनेशनलाइज करें नो फर्दर, और कह दिया कि अब मजीद नेशनलाइजेशन नहीं होगी बल्कि जो नेशनलाइज हो गया उसमें से फला फला चीज हम डीनेशनलाइज करें, मतलब दोबारा प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन की बारी आती है, ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न टू टेक अप द जॉब ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द गवर्नमेंट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे दोबारा, ठीक है। तो ये उस हवाले से आपके सारे चार्ट्स प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन से, इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर ये आखिरी चीज समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों ने आगे तक का खुद पढ़ना है, मैं समझा बता दूंगा, मतलब इस चैप्टर में कहाँ तक खुद पढ़ सकते हैं फिर बताऊंगा। फॉर्मल सेक्टर वो होता है कि जहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ प्रॉपर काम हो रहा होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज यूजुअली फॉर्मल सेक्टर्स में फॉल होती है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का हरगिज मतलब ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी होती है, गवर्नमेंट की जो ओन्ड होती है, सही ना, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती है, वो जो शेयर शेयर से चलती है, मतलब आवाम उसकी ओनर होती है, शेयर्स खरीदती है आवाम, आम आवाम में से कोई भी उसके शेयर्स खरीद सकता है, वो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज गवर्नमेंट सेक्टर की भी हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट उसके शेयर होल्डर्स होंगी, गवर्नमेंट के पास शेयर्स होंगे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्चुअली पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी होना और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना बहुत मुख्तलिफ बात है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है कि जो अपना पैसा एक दो बंदों से रेज नहीं करती बल्कि अपनी जो ओनरशिप है वो नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देती है और कहती है चले 20-20 रुपए का एक शेयर है मार्केट में लॉन्च कर दिए, और कंपनी ने जो है ना मिसाल के तौर पे 1 करोड़ शेयर्स लॉन्च कर दिए, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन शेयर्स लॉन्च कर दिए, तो टोटल 20 रुपए का एक शेयर है तो 20 करोड़ रुपए रेस कर लेगी कंपनी, 20 करोड़ के शेयर्स बिक गए, 20 करोड़ कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी के पास जो 20 करोड़ रुपए उससे कंपनी स्टार्ट हुई चली, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ वो 20 करोड़ शेयर्स में डिवाइड हो गया, सॉरी 10 करोड़ बोला था कितना, और 1 करोड़ शेयर थी, जो भी प्रॉफिट हुआ वो 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड हो गया और जिसके पास जितने शेयर्स थे उसको उतना
प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरीके से कंपनी चलती है। एक बात समझ में आ रही है जो मैंने किया आखिरी? सो यू कैन रेज द क्वेश्चन, आखिरी कहां तक की बात समझ में आई? मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसको जरूरत है 20 मिलियन रुपयों की। इसे कहा यार कहां से लाए? ओनरशिप को डिवाइड कर देते हैं, 20 करोड़ रुपए हम 1 करोड़ शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, 10 मिलियन शेयर्स में, ठीक है ना। 20 करोड़ रुपए 10 मिलियन शेयर्स में डिवाइड करते थे, यहाँ एक जीरो कम है, 200 मिलियन। तो यहाँ तीन जीरो से कट गए, फिर तीन जीरो और तीन जीरो से कट गए, और एक जीरो से और कट गया। तो मतलब कहा 20 रुपए का एक शेयर बेचेंगे। जब 20 रुपए का एक शेयर बेचेंगे तो इस तरह से जब हमारे पूरे 1 करोड़ शेयर्स बिक जाएंगे तो हमें पूरे 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 20 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ गए, कंपनी चलना शुरू है, मशीनरी मंगवाई, फलाना बहुत कुछ, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह की, और कंपनी का फिर साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी के शेयर कितने मार्केट में इशूड? 10 मिलियन। जिन्होंने 20-20 रुपए दे के शेयर्स लिए हैं, किसी ने इस 10 मिलियन में से 1000 शेयर्स लिए होंगे, 20 का एक 20,000 रुपए दे के, किसी ने 1,00,000 शेयर्स ले लिए होंगे, किसी ने 10,00,000 शेयर्स ले लिए होंगे, किसी ने 10,000 शेयर्स, किसी ने 500 शेयर्स। ये सारे अवाम है शेयर होल्डर्स, सही ना। सारे शेयर होल्डर्स कौन है? अवाम है। अब ये कंपनी की नजर में क्या है कि 10 मिलियन शेयर्स इशूड है। अब कंपनी को प्रॉफिट होता है, लेट्स सपोज साल के आखिर में, साल के आखिर में कंपनी को लेट्स सपोज प्रॉफिट हुआ 50 मिलियन का, तो कंपनी ने इस पूरे प्रॉफिट को डिवाइड किया 10 मिलियन के अंदर, ठीक है ना। चलो 50 का 50 पूरे का पूरा कंपनी नहीं दे रही, कंपनी ने कहा 50 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसमें से हम सिर्फ 30 मिलियन बांट रहे हैं, बाकी तो कंपनी में रख रहे हैं, 30 मिलियन बांट रहे हैं। तो 30 से कट गए, 30 से कट गए, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स है, ये क्या है नंबर ऑफ शेयर्स। तो पूरे का पूरा प्रॉफिट इतने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दो अगर, तो एक शेयर के ऊपर 3 रुपए प्रॉफिट। जिसके पास 1000 शेयर्स थे, जिसने 20,000 रुपए खर्च करके 1000 शेयर्स लिए थे, उसको पर शेयर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको 3,000 रुपए मिल जाएंगे कंपनी की तरफ से प्रॉफिट की सूरत में। ये तो घाटे का सौदा हुआ, 20 रुपए देके एक शेयर ले और 3 रुपए मिले, तो शेयर तो उसके पास ही है ना, ये पहला साल है, आने वाले सालों में कंपनी और तरक्की करेगी, समझ आ रही है। और ज्यादा मसला है तो ये अपने शेयर्स बेच दे। अच्छा, लोगों को अगर मिसाल के तौर पर प्रॉफिट ऐसा लग रहा है भाई 3,000 रुपए मिला है पूरे साल में, उन्होंने 20,000 रुपए खर्च किया है, 20,000 रुपए में मैंने 1,000 शेयर्स लिए हैं, एक शेयर 20 रुपए का लिया है और 3,000 प्रॉफिट मिला है, ठीक है, आप ये 20 रुपए का एक शेयर लिया है, आप उसको सेल ऑफ कर दें। कहां ये खरीदो फरोख कहां होती है शेयर्स की? स्टॉक मार्केट में। कहां? स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का, सही, स्टॉक एक्सचेंज में ये खरीदो फरोख्त होती है शेयर्स, तो वहां आप सेल कर दें। कोई ले लेगा बायर, इसके कोई शेयर प्राइस चल रहे होंगे, अभी आपने 20 रुपए का लिया था जब चल रहे थे, और अब अभी आप अगर चेक करेंगे तो कुछ और होंगे, हो सकता है अच्छे हो गए हो, एक ऐसी कंपनी जो कि एस्टेब्लिश हुई है, प्रॉफिट जनरेट किया है, उस फ्यूचर में उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट का सब कुछ नहीं दे दिया, अपने पास भी रखा है 20 मिलियन, वो अपने पास भी तकरीबन 2 करोड़ तक का अमाउंट जो है वो सिक्योर रखा है, तो वो री इन्वेस्ट करेगी अपने अंदर ही, मजीद ग्रो होगी, तो ऐसी ग्रोइंग कंपनी के तो फिर शेयर बिकते तेज है, सही। बात निकल गई हमारी यहाँ से। सो बहरहाल, तो गवर्नमेंट की जो ओन्ड कंपनीज होती है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहलाती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अंदर एक बंदे की हो सकती है, पार्टनर्स की हो सकती है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो सकती है, ठीक है, ये बहुत सारे मतलब है, फिर वो आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ोगे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स। अच्छा जी, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स पे आ जाते हैं। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो कि रेगुलेटेड होता है। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? जो कि रेगुलेटेड होता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। और इनफॉर्मल सेक्टर हमारा वो होता है कि जो मतलब इतना रेगुलेटेड नहीं होता। फॉर्मल सेक्टर के अंदर अब आप पढ़ेंगे ना, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में थोड़ा शुरू में बताऊंगा कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना, इतनी ज्यादा हाई स्पेशल चीजें नहीं यूज हो रही होती, लेबर नॉर्मल यूज हो रही होती है, लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यूज हो रहे होते हैं, रॉ मटेरियल लोकल यूज हो रहा होता है, बहुत हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं होती, तो वो यूजुअली होता भी लोकल मार्केट के लिए ही है। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट की जहां बात करें तो वो यूजुअली फॉर्मल सेक्टर होता है। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए जो फॉर्मल बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो मशीनरीज को इस्तेमाल करती है, प्रॉपर ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड गुड्स बनाती है जो कि बाहर की दुनिया में मतलब हम एक्सपोर्ट करें तो एक्सेप्ट किए जाए, अच्छी क्वालिटी हो, ऐसे कपड़े ना हो चार दफा धुले रंग उतर जाए, तो उसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तो एक फॉर्मल सेक्टर क्या ही बिजनेस कर सकता है वो। जबकि इनफॉर्मल बिजनेसेस जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, या मिसाल के तौर पे घरेलू बिजनेसेस होते हैं, ये थोड़े बड़े भी बिजनेस हो लेकिन लोकल अवाम के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनका बहुत फॉर्मलाइज होना भी इतना जरूरी नहीं होता। कह लो सेठिया बिजनेसेस जो होते हैं ना, इसमें सेठ वाला सिस्टम होता है, अपनी मर्जी से आ रहा है सेठ, और टाइमिंग्स का भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा मामला, लेबर का भी जल्दी छुट्टी लेके जा रही है, कोई प्रॉपर थंब इंप्रेशन के साथ एंट्री नहीं हो रही, लेबर की कॉस्ट हमारी कितनी लगनी चाहिए, पूरा बजट बनाना है, लेबर कितना लगना चाहिए, मटेरियल कितना लगना चाहिए तो प्रोडक्ट कंप्लीट हो, और प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद वो बिकने की कितने की बिकनी चाहिए ताकि अदर एक्सपेंसेस भी मेरे निकले और प्रॉफिट बचे, वो पूरी पूरी बजटिंग, पूरी प्लानिंग और उस प्लानिंग को लेकर चलता है, वो एक फॉर्मल बिजनेस होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल बिजनेस एकदम बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी के साथ ओपन नहीं होते, आवाजदात से चले आ रहे होते हैं और
ग्रो हो रहा होता है। और अक्सर फॉर्मल बिजनेस पहले इनफॉर्मल से ही शुरू होता है फिर फॉर्मल होता है, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस फॉर्मली स्टार्ट हो। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का कंपैरिजन पढ़ेंगे आप, ठीक है, उसके बाद ही इसमें आगे मतलब इसको पढ़ते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर के फायदे नुकसान, फिर फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के फायदे नुकसान पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको इंडस्ट्रीज के हवाले से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है घरेलू सेक्टर की घरेलू बिजनेसेस जो होते हैं उनके बारे में डिटेल थोड़ी डिस्क्रिप्शन देगा कि वो हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें कितनी लेबर हमारी ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज या रूरल एरियाज जो दूर दराज है वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन हुई होती है, ठीक है, वो एक पूरी इंप्लॉयमेंट फराम कर रही है ना घरेलू लोगों को सबको, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री सियालकोट के अंदर बनी हुई है जहां पर स्पोर्ट्स गुड्स की बहुत सारी कंपनीज है, इंडस्ट्री है सियालकोट में, मतलब इंडस्ट्रीज ग्रुप ऑफ बहुत सारी कंपनीज होती है उसमें, एक इंडस्ट्री एक जगह हो सकती है या एक नौयत के तमाम बिजनेस। तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है वो ज्यादातर इसके बिजनेसेस का है सियालकोट के अंदर है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं सर्जरी के दौरान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की ब्रिक किल्न्स इंडस्ट्री जो ईंटें बनाती है, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के बारे में आपको आगे तक बताते जा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम्स बता रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अकल क्या कहती है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं होती और ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं होता, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी ना, एक छोटे लैंड के कितना एफिशिएंट कर लोगे, बड़ी मशीनरी यूज नहीं कर सकते उसमें आप, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, जितनी बड़े स्केल के बिजनेस की होती है उतनी प्रोडक्टिविटी इनकी नहीं होती। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर भी टाइम सेटिंग नहीं होती, जो इनफॉर्मल होता है यूजुअली स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, और कभी अचानक से लाइट भी जा सकती है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर प्रॉपर इंतजाम होता है जनरेटर का, बैकअप पावर का, और गवर्नमेंट भी बड़ा सीरियस लेती है फॉर्मल सेक्टर्स को कि उनका काम ना रुके, क्योंकि उनके बल पे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलता है। सो यू गाइस आर गोना रीड टिल द गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स से ऑनवर्ड्स चैप्टर एंड तक, वो हमारी इंशाल्लाह कोशिश करके कल की क्लास में कवर कर लेंगे। इसके अंदर भी शुरू का ही थोड़ा सा एरिया टाइम लेगा, बाकी उसके बाद ये सारे जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री और इसके अलावा कॉल सेंटर इंडस्ट्री इस हवाले से होगा, कॉल सेंटर इंडस्ट्री का आगे, हाँ ये रहा, ठीक है, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो। कहाँ तक पढ़ना है आप लोगों ने, पेज 171 गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न से पहले।